गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही बड़ा अपडेट जो कि जीएसटी के अंदर निकल के आ रहा है, ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी GSTR 3B, GSTR 1 और ई वे बिल से रिलेटेड ये बड़ा अपडेट अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे GSTR 3B या GSTR 1 कब होगा ई वे बिल ब्लॉक। जी हाँ फ्रेंड्स, GSTR 3B या GSTR 1, इन दोनों की रिटर्न की वजह से क्या आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, 21 अगस्त 2019 से नया प्रोविजन इंप्लीमेंट होने लगेगा कि अगर आपकी जीएसटी रिटर्न पिछले दो टैक्स पीरियड की या पिछले दो टैक्स क्वार्टर्स की फाइल नहीं है तो आपका ई वे बिल का पार्ट ए जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब आप लोगों का सवाल ये आ रहा है कि क्या हम लोग अगर GSTR 3B फाइल कर देते हैं 2 महीने का और हमारा GSTR 1 अगर पेंडिंग है तब भी क्या ई वे बिल को ब्लॉक किया जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में आपके साथ आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो पे आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड अपडेटेड मटेरियल्स या इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेटेड मटेरियल्स परचेज करना है तो उसका परचेज लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसे रेफर कर सकते हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली वहां से परचेज कर सकते हैं अगर आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है। अब आते हैं हम लोग, जो रूल्स आया है, जो रूल 138E है वो क्या कहता है उसके ऊपर। ये हमारे पास है रूल 138E, रेस्ट्रिक्शन ऑन फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 1। इसके पीछे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई भी हैं कि ये रूल क्या कहता है, कब आपका ई वे बिल ब्लॉक होगा, कब क्या होगा, इन सारी चीजों के बारे में। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ बताने वाला हूं कि क्या GSTR 1 अगर नहीं फाइल करते तब भी आपका ई वे बिल ब्लॉक होगा या फिर सिर्फ और सिर्फ GSTR 3B के लिए ये चीजें बताई गई हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि यहां पर जो इन्होंने लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सब रूल 1 ऑफ रूल 138, नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर और एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और अ कुरियर एजेंसी शैल बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन वेदर एज अ सप्लायर और अ रिसिपिएंट। मतलब पार्ट ए EW 01 का जो है उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा। जब पार्ट ए को ब्लॉक किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है ई वे बिल भी ब्लॉक हो जाएगा। और किस सप्लायर को या किस जीएसटीन वाले को ये पनिशमेंट दी जा सकती है, हु बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और अवेलिंग द बेनिफिट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंबर 2/2019 हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट इन फॉर्म जीएसटी CMP 08 फॉर द कंसेक्यूटिव 2 टैक्स क्वार्टर्स। मतलब ये हुआ कि अगर आप सेक्शन 10 के अंदर रजिस्टर्ड हैं या फिर आपने नोटिफिकेशन 2/2019 का बेनिफिट ले रखा है और आपने जो है पिछले 2 क्वार्टर्स के अंदर CMP 08 को कंसेक्यूटिवली फाइल नहीं किया, मतलब लगातार 2 क्वार्टर्स का अगर CMP 08 आपका नॉन फाइल्ड है तो आपका ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि CMP 08 को चालू हुए ही अभी 1 क्वार्टर हुआ है, 1 अप्रैल 2019 से ही ये वाला इंप्लीमेंट किया गया है फॉर्म, तो यहाँ पर पिछले 2 टैक्स पीरियड की तो सवाल ही नहीं है। दैट मीन्स कि कॉम्पोजिशन वालों के लिए अभी और टाइम पीरियड है 1 क्वार्टर का, उनके लिए ये चीज ब्लॉकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मेरे हिसाब से, मेरे व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंगली लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि आपका जो है जीएसटी CMP 08 पिछले 2 क्वार्टर्स का नॉन फाइल्ड होना चाहिए। अगर आपने CMP 08 1 क्वार्टर का फाइल किया है तो आपका दूसरा क्वार्टर तो ऑलरेडी अभी लागू ही नहीं हुआ, दूसरा क्वार्टर तो ये लागू होगा सितंबर एंड के बाद। तो ये हो गया कॉम्पोजिशन से रिलेटेड। अब आते हैं GSTR 3B और GSTR 1 के ऊपर। मेन मुद्दा हमारे पास जो निकल के आता है वो है बीइंग अ पर्सन अदर देन अ पर्सन स्पेसिफाइड इन क्लॉज ए। क्लॉज ए के अलावा जो पर्संस हैं, मतलब जो कॉम्पोजिशन में भी नहीं है, जिन्होंने नोटिफिकेशन 2/2019 का बेनिफिट भी नहीं ले रखा, उसके अलावा जो पर्संस हैं, तो उसके अलावा कौन से पर्संस हो सकते हैं, उसके अलावा पर्संस होते हैं रेगुलर हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 मंथ्स। यहाँ पे जो वर्डिंग्स यूज की गई है, हैज नॉट फर्निश्ड द रिटर्न्स फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ
2 months, मतलब आपने 2 महीने की लगातार जीएसटी की रिटर्न्स नहीं फाइल करी होंगी। अब सवाल यह है कि ये जो रिटर्न्स वर्ड है ये जीएसटीआर 1 के लिए है या जीएसटीआर 3B के लिए है, क्योंकि रेगुलर डीलर्स वालों के लिए जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3B ये 2 फॉर्म्स है जो कि हम लोगों को फाइल करना होता है। अब हम लोग चलते हैं कि रिटर्न्स का क्या मतलब होता है, रिटर्न्स किस तरीके से डिफाइन किया गया है जीएसटी एक्ट के अंदर। ये है हमारे पास जीएसटी का एक्ट, इसका हम लोग सेक्शन 37 देखेंगे और सेक्शन 39 देखेंगे कि रिटर्न्स के बारे में जीएसटी एक्ट क्या कहता है और रिटर्न्स किसे बताया गया है, क्या डेफिनेशन दी गई है रिटर्न्स की जीएसटी एक्ट के अंदर। यह है हमारे पास चैप्टर 9 जो कि बात करता है रिटर्न्स की। और जो जीएसटीआर 1 हम लोग फाइल करते हैं वो हम लोग करते हैं सेक्शन 37 जिसका हेडिंग है फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। ये सिर्फ और सिर्फ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज की बात करता है, यहाँ पर रिटर्न वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन द इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 शैल फर्निश इलेक्ट्रॉनिकली इन सच फॉर्म एंड मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इफेक्टेड ड्यूरिंग अ टैक्स पीरियड on or before the 10th day of the month succeeding the said tax period and such details shall be communicated to the recipient of the said supplies within such time and in such manner as may be prescribed. मतलब GSTR 1 is not a return as per section 37 subsection 1. ये सिर्फ और सिर्फ बात करता है details of outward supplies जो कि file करना होता है regular dealers वालों के लिए। तो सबसे पहला मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आपका GSTR 1 ड्यू है तो आपका ईबे बिल को ब्लॉक नहीं किया जा सकता एज पर रूल 138 कैपिटल ई, क्योंकि वो बात करता है अगर रिटर्न आपकी 2 कंसेक्यूटिव टैक्स पीरियड तक फाइल नहीं होती, और सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 जो है वो रिटर्न की बात नहीं करता है। GSTR 1 इज नॉट अ रिटर्न, इट इज अ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। तो सर रिटर्न क्या है फिर? तो रिटर्न के लिए अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को देखना होगा सेक्शन 39। सेक्शन 39 बात करता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स। ये कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर और अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन और अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 और सेक्शन 51 और सेक्शन 52 शैल फॉर एवरी कैलेंडर मंथ और पार्ट देयर ऑफ फर्निश इन सच फॉर्म एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब अ रिटर्न। अब यहां पर अगर आप देखेंगे तो वर्ड यूज किया गया है अ रिटर्न electronically of inward and outward supplies of the goods or services or both input tax credit availed tax payable tax paid and such other particulars as may be prescribed on or before the 20th day of the month succeeding such calendar month or part thereof। section 39 bilkul clear kehta hai ki har ek registered regular taxpayer ko section 39 ke andar return file karna hai 20 tarikh se pehle jisme usko apna input tax credit अपना टैक्स पेएबल अपना टैक्स पेड और जो भी डिटेल्स मांगा जाता है वो सारा डिटेल्स डालने के बाद रिटर्न फाइल करना है। अब सेक्शन 39 के अंदर जो रिटर्न प्रेस्क्राइब किया गया था फिलहाल के लिए किया गया था ओरिजिनल एक्ट में जीएसटीआर 3, जिसको सब्स्टिट्यूट किया गया फॉर्म जीएसटीआर 3B से। तो अब जो दूसरा व्यू पॉइंट ये निकल के आता है कि अगर आपके 2 महीने की जीएसटीआर 3B कंसेक्यूटिवली फाइल नहीं होती है तभी आपका ई वे बिल ब्लॉक किया जाएगा इन केस ऑफ रेगुलर टैक्स पेयर। लेकिन यहां पर भी एक और कंडीशन है, अगर हम लोग गुजरात हाई कोर्ट को मानते हैं जिन्होंने ये बिल्कुल साफ साफ बताया था कि जीएसटीआर 3B इज नॉट अ रिटर्न अंडर सेक्शन 39 रीड विथ रूल 61, तो वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो जीएसटीआर 3B अगर रिटर्न नहीं है तो ई वे बिल ब्लॉक होगा या नहीं होगा। अब इसके ऊपर भी जजमेंट्स आ सकते हैं कि क्या जीएसटीआर 3B नॉन फाइलिंग की वजह से ई वे बिल को ब्लॉक किया जा सकता है या नहीं। तो ये सारे कंडीशंस हैं, आप अगर नॉर्मल अगर आप बिल्कुल भी सेफ खेलना चाहते हैं अगर आपको, अब यहां पर समझने वाली बात है तो इस सिचुएशन में हम लोग कर क्या सकते हैं। इस सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि डिपार्टमेंट आपको जीएसटीआर 3B अगर आपका 2 महीने का फाइल नहीं है तो आपका ई वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा, लेकिन जीएसटीआर 1 के चलते ई वे बिल को ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है जीएसटी ई वे बिल और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड। कॉम्पोजिशन वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि CMP 08 अभी 1 क्वार्टर के लिए लागू ही हुआ है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि GSTR 3B या GSTR 1 किसकी फेलियर के वजह से ई वे बिल को ब्लॉक किया जा सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विस अवेल कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।